यदि घुसने से 20 किलोमीटर पहले यहाँ पे पार्किंग में रुके हैं हम, यहीं पे बाथरूम करके नाश्ता वास्ता करके फिर यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे हम। जस्ट अभी आके रुके हैं, अभी तक टायर व्यार भी चेक नहीं किए है। ये पार्किंग है और ये रास्ता तो सीधा आपका अमरावती तरफ गया है और इधर से हम नागपुर से आ रहे हैं। धुलिया में खाली होगा तो अभी भी पार्टी का नंबर नहीं भेजा ट्रांसपोर्टर, थोड़ी देर बाद 10 बजे कॉल करेंगे हम, देखेंगे कि कहाँ खाली होगा। चलिए अभी थोड़ा टायर व्यार चेक कर लेते हैं। माल का हालत कैसा है देख सकते हैं, और बत्ता हम लोगों का 1, 2, 3 बत्ता खोल गया है। चलिए उधर जाके दिखाते हैं। इसके ऊपर चलना भी बहुत रिस्की वाला काम है, देख सकते हैं माल जब इधर उधर हुआ तो बत्ता सब खोल गया। ये वाला एक यहाँ पे एक उधर भी एक है और वहाँ पीछे में भी एक है, यहाँ पे भी एक तो है। माल आगे पीछे बहुत हुआ है, हालत क्या हुआ है देख सकते हैं। और ऐसे ही तार बंडल लोड करने से गाड़ी का बॉडी का भी थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो बत्ता जो खुल गया है ये सब तो इसमें डाला फ्लड हो जाता है। पीछे वाला बत्ता है और सामने वाला दो है, मतलब 3 बत्ता लगा हुआ है और 3 बत्ता खुल गया है। ये ठीक है, देखते हैं अभी ब्रश करेंगे फिर नाश्ता वास्ता करके फिर छोड़ेंगे यहाँ से गाड़ी। हेलो गाइस, तो अकोला पार करके आ चुके हैं। अकोला पार करके आने के बाद जो टोल पड़ता है, नया जो टोल हुआ है पीछे देख सकते हो, पीछे है वो टोल। बाद हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पे नहाएंगे, नहा धो के फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी तो टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, हम लोग के यहाँ तो अभी तो शाम हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र है इसीलिए यहाँ पे अभी तक तो अंधेरा नहीं आया है। मौसम देख सकते हैं यहाँ का, बारिश हो रहा था थोड़ी देर पहले, अभी तो बारिश बंद हुआ है। टोल बूथ पीछे ही है, टोल बूथ पार करके ही हम यहाँ पे रुके हैं। और ये रहा टॉयलेट ब्लॉक, वो जेंट्स वाला ये लेडीज वाला, ये यहाँ नहा धो के फिर निकलेंगे यहाँ से। और धुलिया और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से और 250 किलोमीटर है। गाइस, तो कल रात को ही 3-4 बजे 3:30 बजे के करीब हम यहाँ कंपनी में पहुँच गए थे, और अभी तो टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है और गाड़ी को कंपनी के अंदर किया है। ये कंपनी का नाम है बेदमुथा इंडस्ट्री। ये धुलिया से जो सोनगिर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पार करके कुछ देर आने के बाद जो MIDC एरिया है उसी के अंदर है ये कंपनी। सामने ही कांटा है और मेरा हेल्पर वो कांटे के वहाँ गया है बात करने के लिए। इस गाड़ी के बाद चढ़ाएंगे हम गाड़ी को। तो खाली का पॉइंट में गाड़ी लगा दिए है और गाड़ी खाली हो रहा है हम लोगों का। अरे देखिए उसे आज नहीं,
है गाइस, तो गाड़ी खाली करके हम आ चुके हैं और अभी हम धुलिया से कुछ देर पहले ही यहाँ 10-12 किलोमीटर पहले यहाँ पे रुके हैं। हम यहाँ इंदौर रोड इस रोड पे गए थे खाली करने के लिए और यहाँ पीछे एक होटल है, होटल राजधानी, तो यहाँ पे रुके हैं। अभी यहाँ नहाएंगे, नहा धो के फिर निकलेंगे यहाँ से। नासिक के उस साइड अम्बाड़ा से लोड होगा गाड़ी, सूखा माल लोड होगा, तो क्या माल होगा वो अभी बोला नहीं है, लेकिन सूखा माल लोड होगा। तो अभी नहाएंगे हम यहाँ से, नहा धो के फिर निकलेंगे यहाँ से। कहाँ गया रे, साफ सफाई कर रहा है। हमारे सभी बंगाल वालों भाई देख लो, अभी तो टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, लेकिन 7 बजे तो अभी हम लोग के यहाँ शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को शायद लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपको मैं टाइम दिखा दूँगा, रुकिए मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। फोन टाक उधर इधर बोले डिस्ट एक मिनट भाई दिखा रहे, देख सकते हैं। The next day. कल रात को ही 2 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ ही पे हम खड़े हैं, तो यहाँ से भेजेगा दूसरी जगह, तो देखते हैं कहाँ पे भेजता है। हे गाइस, तो अभी गाड़ी कटा करवाने के लिए आए हैं, यही अम्बाड़ा MIDC से लोड होगा, कुछ इलेक्ट्रिक सामान है, हम लोग यहाँ बंगाल वेस्ट बंगाल माल जाएगा, तो अभी कांटे पे आए हैं। तो यहाँ कांटे पे आए हैं गाड़ी को कांटा करवाने के लिए, और वो मेरा हेल्पर वो नीचे खड़ा है, तो यहीं से माल भरेंगे हम, यहीं से कांटा करके फिर कुछ MSMSS करके कुछ ऐसा कुछ कंपनी है वहाँ पर जाना है, वहाँ से जाके कुछ इलेक्ट्रिक कुछ सामान लोड होगा। एक्चुअल में क्या लोड होगा हमको उतना कंफर्म नहीं है, बोला कि इलेक्ट्रिक का माल है, सिर्फ इतना ही पता है। तो चलिए अभी कांटा वाटा कर लेते हैं गाड़ी को, फिर उसके बाद चलेंगे कंपनी में। लोडिंग तो चल रहा है अभी भी, लोडिंग तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी का टायर स्लिप मार रहा है, वो पीछे हाइड्रा है, वो हाइड्रा से एक बार खींचे थे हम, और अभी तो पीछे माल दे रहा है, उसके बाद देखते हैं गाड़ी निकलता है या नहीं। तो हम लोगों का माल लोड हो रहा है, इलेक्ट्रिक का सब माल है, मतलब इलेक्ट्रिक काम में लगता है वैसा ही कुछ सामान है, हमको भी ठीक ठाक नहीं पता है कि क्या माल है, सब बक्स के अंदर है, इसलिए हमको उतना मालूम नहीं है कि क्या माल है। और हम लोगों का 2 जगह का माल है, एक हल्दिया का माल है और एक धूलागढ़ का माल है, पहले धूलागढ़ वाला माल पहले खाली होगा, उसके बाद हम हल्दिया जाएंगे। तो चलिए अभी लोडिंग चल रहा है, अभी तो 3 बजने वाला है, मतलब लोडिंग ख़त्म होने में लगभग 4 बज जाएगा लगता है, जितना जल्दी हो पाएगा निकल पाएंगे। तो चलिए गाड़ी को बैग लगा, चलो गाड़ी को लगाते हैं अभी। है गाइस, तो लोड करके हम निकल के आ चुके हैं, अभी यहाँ नासिक पार करके यहाँ पे पंप में तेल भर भर है, टैंकी फुल कर रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, वहाँ से खर्चा वर्चा लेंगे, फिर निकल जाएंगे सीधा एकदम एक्सप्रेस वे पकड़ना है। तो चलिए अभी टैंक फुल कर लेते हैं। Okay.